वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन नर्सिंग नोट्स बाय डीएस यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम नर्सिंग मैनेजमेंट जो फोर्थ ईयर की सब्जेक्ट है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जो मेन एग्ज़ाम आ रही है उसका जो मेन एग्ज़ाम होता है फोर्थ ईयर का, उसमें बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन आज इस वीडियो में बताऊँगा मैं आपको, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं और जिनकी मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जो ज़्यादा से चांस रखते हैं आने की, वो वीडियो देख के वो क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन प्लानिंग। प्लानिंग डिफाइन करना है, डिफाइन प्लानिंग और डिस्कस करना है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड प्रिपेयर ए प्लान फॉर 50 बेडेड हॉस्पिटल। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस है एग्ज़ाम में। इसमें आपको प्लानिंग को डिफाइन करना है, डिस्कस करना है इम्पोर्टेंस प्लानिंग के, और एक आपको क्वेश्चन दे सकता है कि आप 50 बेडेड हॉस्पिटल के लिए एक प्लान तैयार करो। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांस रखता है आने के। इसको ध्यान से पढ़े, पूरी प्लानिंग के चैप्टर को अच्छे से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन लीडरशिप। लीडरशिप को डिफाइन करना है, स्किल्स, गुड लीडरशिप के स्किल्स क्या क्या होते हैं इसको आपको बताना है। एनलिस्ट करना है वेरियस लीडरशिप स्टाइल्स, क्वालिटीज पूछ सकता है, स्टाइल पूछ सकता है, या फिर टाइप्स पूछ सकता है आपसे लीडरशिप के, और फंक्शन बताने हैं गुड लीडरशिप के। ये भी 16 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन आपके। लीडरशिप को डिफाइन करना है, स्किल्स ऑफ गुड लीडरशिप, एनलिस्ट वेरियस लीडरशिप स्टाइल, स्टाइल और टाइप्स पूछ सकता है आपसे, स्टाइल या टाइप्स दोनों में से एक पूछ सकता है। फंक्शन ऑफ क्वालिटीज ऑफ गुड रिसर्चर, गुड रिसर्चर की क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, क्या क्या फंक्शन होते हैं, वो आपसे पूछ सकता है। 16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन मैनेजमेंट। आपकी फर्स्ट यूनिट से ये क्वेश्चन मैनेजमेंट को डिफाइन करना है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन भी चांस सकता है ज़्यादातर आने के, क्योंकि ये फर्स्ट यूनिट है और आपको मैनेजमेंट से पूछा गया है, मैनेजमेंट को डिफाइन करना है आपको। ये नॉर्मल सी चीज़ है कि आप मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपको ये पता हो कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के फंक्शन क्या होते हैं और इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन सुपरविजन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन सुपरविजन कंसेप्ट, क्वालिटीज एंड फंक्शन ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन का क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस है एग्ज़ाम में, अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि आने के बहुत बहुत ज़्यादा चांस है सुपरविजन के। सुपरविजन और इवैल्यूएशन दोनों क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है, आपको दोनों को देखना पड़ेगा। यहाँ सुपरविजन बताया गया है क्योंकि सुपरविजन बहुत सारे प्रीवियस एग्जाम्स में आया पूछा गया है, इसलिए आपको सुपरविजन को अच्छे से पढ़ कर जाना पड़ेगा। इसके कंसेप्ट क्या होते हैं, क्वालिटीज एंड फंक्शन ऑफ सुपरविजन क्या होता है, तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन बजटिंग। बजटिंग क्या होती है, आपको मैनेजमेंट में बजटिंग एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ये पूछा भी जाता है मेन ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में, आपके बजटिंग के टाइप्स और प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग। तो आपको बजटिंग आप आराम से और अच्छे से डिटेल में पढ़कर जानी है, क्योंकि मैनेजमेंट का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ के जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको 4 नंबर में पूछ सकते हैं या फिर 8 नंबर में इनको पूछ सकते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन देखने हैं। परफॉर्मेंस अप्राइजल को आपको पढ़ना है, 4 नंबर या 8 नंबर किसी भी टाइप से आपको पूछ सकता है एग्जामिनर। कलेक्टिव बारगेनिंग इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको शॉर्ट नोट्स में या फिर 8 नंबर में ज़रूर मिलेगा एग्ज़ाम में, क्योंकि पहले भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है ये कलेक्टिव बारगेनिंग। करिकुलम एंड इट्स पर्पज, मैनेजमेंट का अच्छा टॉपिक है करिकुलम एंड इट्स पर्पज,
तो ये भी आपको शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। जॉब डिस्क्रिप्शन, इट इज़ ऑल्सो ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर शॉर्ट नोट्स। 4 या 8 नंबर में से आपको जॉब डिस्क्रिप्शन देखने को मिल सकता है, तो आपको इसको भी अच्छे से पढ़ना है। आपको इस वीडियो में ये नहीं बताया जा रहा है कि आप इनके अलावा कुछ ना पढ़े, आपको सब कुछ पढ़ना है, लेकिन इन पर ज़्यादा फोकस देना है क्योंकि ये पहले बहुत सारे एग्ज़ाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन है और आने के चांसेस ज़्यादा है, तो आप इन पे फोकस ज़्यादा रखिए, अटेंशन ज़्यादा रखिए और अच्छे से पढ़ के जाइए इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्सिंग राउंड भी शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट बिग क्वेश्चन है, बड़ा 16 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेटेरियल मैनेजमेंट आपको 16 नंबर में पूछा जा सकता है। इसके एलिमेंट्स बताने हैं और प्रोसीजर ऑफ मेटेरियल मैनेजमेंट, ये 16 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से और डिटेल में पढ़ के जाइए। इसके अलावा जो अदर टॉपिक्स है वो देखो आप, इन सर्विस एजुकेशन ये भी पूछा गया है पिछले बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, तो इसके भी आने के चांसेज है। ग्रुप डायनेमिक्स, एडल्ट एजुकेशन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये आपने पहले भी CET में पढ़ चुके हो आप, 3rd ईयर में CET में ये टॉपिक था। इसमें से एडल्ट एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, इन सर्विस एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको इन क्वेश्चंस को डिटेल में और अच्छे से पढ़ के जाना है, इन पे ज़्यादा अटेंशन देना है। पढ़ना सभी को है लेकिन इन पे ज़्यादा अटेंशन देके पढ़ना है ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सके हो एग्ज़ाम में और अच्छे से बैक लगने से आप बच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।